नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में। अभी मार्केट क्लोज है, नेक्स्ट वीक से मार्केट मंडे से स्टार्ट होगा, यानी कि 11 से। आज 9 तारीख, 10 तारीख, 11 से मंडे होगा, तो मंडे से मार्केट ओपन होगा। और बहुत अच्छा स्टॉक हमने स्टडी किया है, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने की पूरी क्षमता रखता है। इसका पूरा एनालिसिस किया है, कंपनी की सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। आप उसकी खुद भी अपने लेवल पर स्टडी जरूर करें, किसी के कहने से किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और शेयर भी किया लीजिए। हम बात कर रहे हैं इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक की। जी हाँ, इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये स्टॉक, इसमें लास्ट वीक, अभी आप देखेंगे फ्राइडे को अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर इस स्टॉक में बहुत तेजी और काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में उछाल देखने को मिला है। इंडियन पावर कॉरपोरेशन का जो स्टॉक है, करंट प्राइस की बात करेंगे तो फ्राइडे को 17 रुपीज़ 15 पैसे पर ये क्लोज हुआ है। ट्रेडिंग का जो इसका प्राइस रहा है 17 रुपये 15 पैसे पर ये बंद हुआ है। और इसमें तेजी की जो परसेंटेज है वो करीब करीब 16% अगर कहें तो गलत नहीं होगा, 15.88% की तेजी एक दिन के अंदर देखी गई है। चूँकि आजकल पावर सेक्टर्स के और जो दूसरे स्टॉक हैं उनमें भी तेजी हो रही है, क्योंकि हमारा देश अब पावर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली चाहे किसी चीज़ से बने, थर्मल हो, रिन्यूएबल हो, इंडिया के अंदर हर उस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसा आप जानते हैं अभी G20 का भी इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है और उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर सेक्टर में मिलने वाले हैं, आईटी सेक्टर में एकदम बहुत तेजी आने वाली है। अगर आप आईटी सेक्टर्स के लिए भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इंडिया पावर कॉरपोरेशंस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कंपनी थर्मल पावर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काम करती है। और कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप की बात करूंगा, वो करीब 1441 करोड़ रुपए की है। और कंपनी के एक शेयर की कीमत जो आज की डेट में आपको है वो करीब 17 रुपए की है। तो ये आप देखें तो ये 17 रुपए का अभी लास्ट 15 रुपए का था, और उससे पहले अगर कुछ महीने पहले देखेंगे तो ये 10 या 11 रुपए में भी था। तो ये जो 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये 17 रुपये के जो स्टॉक्स हैं इनमें तेजी आ रही है, बहुत अच्छी तेजी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए और इसकी सारी डिटेल्स फंडामेंटल, और वो मैं आपको देने वाला हूँ। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लास्ट जो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट फाइल की है जो, तो उसमें इन्होंने अपनी टोटल जो इनकम है वो बताई है। करीब 550 करोड़ रुपये टोटल इनकी इनकम रही है, टोटल करीब 481 करोड़ रुपये के आसपास इनकी टोटल बिक्री जो बाइंग से इनकम आती है, यानी कि टोटल जो बाइंग हुई है वो करीब 480-485 करोड़ के आसपास है। कंपनी के जहाँ तक प्रॉफिट की मैं बात करूँगा तो कंपनी का जो शुद्ध नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो अच्छा रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब करीब 17 करोड़ रुपए का रहा है। और इंडिया पावर कॉरपोरेशन ने अभी जो करंट 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें करीब इनका जो टैक्स है वो 3.4 यानी 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास उन्होंने टैक्स का भुगतान भी किया है। ये तो रही बेसिक कंपनी की इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करते हैं इसकी आगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किस तरीके से इसकी स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आपके लिए ये स्टॉक क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक बताना हमेशा जरूरी होता है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी है, रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि 100 रुपये से नीचे के स्टॉक्स में हम देखें, 50 रुपये से नीचे के स्टॉक देखते हैं, कुछ लोग 20 रुपये से नीचे के स्टॉक को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये उसी सेगमेंट का एक स्टॉक है और अभी 15 रुपये पर तो ओपन ही हुआ था। तो उसके बाद में आज जो फ्राइडे को रहा, फ्राइडे को इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ अगर लास्ट वीक से देखेंगे तो तेजी इसमें ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को ही अपर सर्किट की तरफ ये गया है या उससे पहले भी इसमें झटके या उतार उछाल देखने को मिला है। सेम डे का जो फ्राइडे का रहा है तो फ्राइडे में जरूर इसमें 15.8 या 15.9% उसको बोल सकते हैं। तो इतनी तेजी एक ही दिन में देखी गई। ओपनिंग प्राइस की जहाँ तक बात करेंगे तो ओपन हुआ था 15 रुपये पर और उसके बाद में क्लोजिंग टाइम 17 रुपये 15 पैसे पर ही क्लोज हुआ है। वीक की बात कर लें तो वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर इसमें करीब वही सेम 15% का इसमें तेजी देखी गई है टोटल अगर वीक में देखेंगे। मंथ वाइज में कंपनी ने अच्छा किया है। मंथ में अगर मंथ का देखेंगे करीब 21% के आसपास प्रॉफिट बनाकर इसके स्टॉक ने दिए हैं शॉर्ट टर्म यानी एक महीने के अंदर। बात करते हैं साल भर की, तो साल भर में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इसमें नहीं बना है। इसके पिछले साल से अगर देखेंगे तो इसके जो ग्राफ में डाउनफॉल ही था, तो उसके बावजूद अगर ईयर का निकालते हैं तो करीब करीब 6.5% के आसपास देखने को मिलता है, 6.5% की तेजी देखने को मिलती है।
पिछले साल दिसंबर की बात कर लें तो दिसंबर में जैसे पिछले साल से लेंगे तो पिछले साल सबसे हाईएस्ट पे था करीब ये 25 रुपये 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 2021 दिसंबर में, अगर पुराना आप चेक करेंगे तो। तब से लगातार ये डाउनफॉल की तरफ है, लेकिन अब इसके स्टॉक में बूम देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी इसके अंदर वॉल्यूम्स बन रहे हैं और इस कंपनी को काफ़ी अब ऑर्डर भी इनके पास आ रहे हैं, तो यही इसका बेसिक रीज़न है। और अब इस स्टॉक में आप इसको अपना पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। बात है इसके आगे और भी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की, तो थोड़ा सा मैं आपको अभी फाइनेंशियली और भी बताने वाला हूँ। 17 रुपये 15 पैसे का, मात्र 17 रुपये 15 पैसे वाला ये स्टॉक है, जिसके स्टॉक को अगर आप समझेंगे, अगर उसकी सारी मैं आपको पहले फाइनेंशियल बता देता हूँ, तो फाइनेंशियल को समझने से या सुनने से आपको क्लियर होगा कि कंपनी में किधर मूवमेंट करना चाहिए, इस स्टॉक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस तरह की राय उस पर आप अपनी आगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली आप अपनी खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, अगर फाइनेंशियल को आप प्रॉपर चेक करेंगे तो रेवेन्यू इनका 653 करोड़ रुपये का रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 653 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू इनका रहा है और उसमें ईयर टू ईयर अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो करीब करीब 12.14% का इन्होंने उसमें रेवेन्यू में ग्रोथ जो होती है तो वो ग्रोथ आई है, करीब 12% से ज़्यादा की ग्रोथ इनके रेवेन्यू में देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो नेट प्रॉफिट में दोबारा से इस बात को कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट इनका अगर अमाउंट की बात करेंगे 17 करोड़ रुपए का रहा है और उसमें अगर आप पिछले साल से उसको कंपैरिजन करेंगे तो करीब करीब 10% की ग्रोथ इसमें भी देखने मिलती है, कि प्रॉफिट भी बढ़े हैं, पिछले साल से 10% ज्यादा हुए इस कंपनी में। हालांकि नेट वर्थ की जो बात करते हैं तो नेट वर्थ अगर कंपनी की देखेंगे तो 1006 करोड़ रुपए की बनती है। ईयर टू ईयर में अगर कंपैरिजन इसका निकालेंगे तो यहाँ पर नेट वर्थ में जरूर इस कंपनी को लॉस हुआ है, यानी कि पिछले साल की अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें करीब 26% कम है ये। बात करते हैं कंपनी के बहुत ही जरूरी पॉइंट की, कंपनी पर कर्ज डेट, तो कर्ज की बात करेंगे तो कर्ज जो है कंपनी पर है और कर्ज है इसकी कंपनी पर करीब 323 करोड़ रुपए का। जो कर्ज ईयर टू ईयर अगर उसको कंपैरिजन आप करते हैं तो उसमें अगर कमी आएगी तो एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें कमी इस कंपनी में नहीं आई है। हालांकि उसमें इनके कर्ज में करीब करीब 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है ईयर टू ईयर, इस पर मैं बता रहा हूँ 11%, मतलब अगर पिछले साल जितना लोन इनके पर इनके ऊपर था, इस कंपनी पर था, तो उससे ये 11% और ज़्यादा इनके ऊपर हो गया है। कैश, फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो फ्री जो कैश होता है तो उसके फ्लो में भी इनका नेगेटिव ही रहा है, -21 करोड़ का है, जो कि ईयर टू ईयर की बात करेंगे तो 300% से भी ज़्यादा वो लॉस में है, फिर इनका माइनस में नहीं जाता है। CFO की बात करेंगे तो 5 करोड़ और माइनस में जाता है, यानी कि उसमें भी आपको ये नेगेटिव दिखाई देती है कंपनी। तो ये तो रहे इसके फाइनेंशियल्स। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके फ्यूचर या इसके आगे इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी आपको नजर डालनी चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इंडियन जो प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स का हिस्सा इसमें करीब करीब 60% का है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 0.12-0.13% के आसपास इसमें DII की भी हिस्सेदारी है और बाकी जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में करीब 40.5% के आसपास, 40-41% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स की ही हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये ऐसा तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। बात होती है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की FII, वो इस कंपनी में 0% है, उस तरह का पैसा भी इस कंपनी में देखने को नहीं मिलता है या इस तरह के इन्वेस्टर इसमें नहीं है कि जो फॉरेन FII वाले, तो ये भी स्लाइटली इसको नेगेटिव बनाता है। हालांकि इस कंपनी में अब आने वाले समय में आगे इसमें पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर बात होती है सस्ते शेयर्स और फाइनेंशियल की, तो उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो मेरे लिहाज से ये नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप चाहेंगे तो इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक यानी कि 11 सितंबर 2023 से आप देखेंगे कि इस स्टॉक में बहुत तेजी आने वाली है, जो तेजी आपको कम ही समय के अंदर 50-60%, 70% और 100% के रिटर्न्स देते हुए ये आपको जो स्टॉक है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीधा ग्रोथ ही आएगी, डाउन भी हो सकता है, तो जब जब डिप लगे तब आप बाइंग कर सकते हैं और अप होगा तो आप उसको कैश भी कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो मिनिमम 1 ईयर या 6 मंथ या 3 मंथ के लिए आप प्लान करते हैं तो नो डाउट ये कंपनी का स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में बिल्कुल लाइट लाने वाला है, यानी कि लाइट जला देगा, उजाला कर देगा, ऐसा हमारा एनालिसिस कहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, साथ के साथ किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि तो आप मुझे लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।